चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। खिलाड़ी अक्षय कुमार पिछले सालों से बॉलीवुड के रुस्तम बने हुए नेशनल अवार्ड उन्होंने इसी बीच हासिल किया है। एक के बाद एक सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफलता का नया परचम लहराया है, लेकिन हाल ही में रिलीज हुई पैडमैन ने बॉक्स ऑफिस पर कमजोर साबित हुई है। इस फिल्म को दर्शकों ने उतना पसंद नहीं किया जितना अक्षय कुमार को पसंद करते हैं, लेकिन कमाई के मामले में फिल्म पैडमैन ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट की माने तो रविवार तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब करीब 2 करोड़ की कमाई की। इस हिसाब से फिल्म ने टोटल अभी तक 75 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुका है। गौरतलब है कि फिल्म की लागत मात्र 7 करोड़ ही आई है और फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने। ऐसे में देखा जाए तो फिल्म पैडमैन का आंकड़ा देखते हुए ये कहा जा सकता है कि फिल्म प्रॉफिट का बिजनेस कर। फिल्म में अक्षय कुमार और सोनम कपूर का जबरदस्त अभिनय दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि फिल्म पैडमैन राजस्थान में GST फ्री कर दिया गया है। अब देखना है ऐसे में क्या बॉक्स ऑफिस पर उछाल मारती है या नहीं। पैडमैन रिलीज आगे बढ़ाने की वजह से फिल्म की कमाई पर असर पड़ा है। दरअसल पिछले साल 22 दिसंबर के दिन सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। उसके एक महीने के बाद कोई दूसरी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होने वाली थी जिसका फायदा अक्षय को फिल्म मिल सकता था। मजे की बात यह है कि आने वाले 15 अगस्त के दिन अक्षय कुमार की गोल्ड फिल्म रिलीज होने वाली है और इसी दिन कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका भी रिलीज होने वाली है। खबर है कि अजय कंगना से मिलकर गोल्ड की रिलीज तारीख आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करने वाली है। Yeah.